हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोविजंस एज पर कंपनीज एक्ट शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014 दैट इज रूल 18 हम कवर अप करेंगे। और तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर जरूर से लाइक कीजिएगा। यहाँ पर इफ अ कंपनी इश्यूज, अगर मान लीजिए कंपनी इशू करती है सिक्योर डिबेंचर्स अगर कंपनी इशू करती है तो कंपनी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। तो कंपनी को जो नीचे जो कंडीशंस है अभी हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, वो कंडीशंस को, वो रूल्स को फॉलो करना मस्ट है, जरूरी है। कंपनीज कंप्लाई टू फॉलो द रूल्स। तो सबसे पहला है कि टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स, मतलब सिक्योर डिबेंचर्स का जो टाइम लिमिट है, टाइम पीरियड है, जो रिडम्पशन पीरियड है वो क्या होगा, उसका डेट ऑफ रिडम्पशन क्या होगा, इन शॉर्ट हम बोलेंगे तो डेट ऑफ रिडम्पशन क्या होगा। तो यहाँ पे ऑल सिक्योर डिबेंचर शुड बी रिडीम्ड विद इन 10 ईयर्स। तो देखिए 10 साल के अंदर सारे के सारे जितने भी सिक्योर डिबेंचर्स है वो रिडीम होना मस्ट है, मतलब उनका रीपेमेंट मस्ट है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। उसकी जो इशू डेट है वहां से लेकर 10 साल के अंदर अंदर इनका रिडेम्पशन बहुत जरूरी है। ओनली सर्टेन कंपनीज, खाली कुछ जो कंपनीज है, लाइक कंपनीज एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो में एंगेज है, एक्टिविटीज में जो एंगेज है, और कंपनीज परमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्ट्री के द्वारा जो कंपनीज को परमिशन मिले हुए हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कंपनीज और आरबीआई, जो आरबीआई कैन इशू डिबेंचर्स, वो लोग खाली डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं बियॉन्ड 10 ईयर्स, 10 साल से ऊपर के जो डिबेंचर्स है वो भी रिडीमेबल सिक्योर डिबेंचर्स वो इशू कर सकते हैं, बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, लेकिन 30 साल से ऊपर की उनकी लिमिट नहीं हो सकती है। तो मतलब खाली कौन कौन से कंपनीज हैं जो 30 ईयर्स का मतलब मोर देन 10 ईयर्स वाले डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, तो कंपनीज एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तो ये सारे पब्लिक कंपनीज ही हो गए, और कंपनीज परमिटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई कैन इशू डिबेंचर्स बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। नाउ क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स, तो कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की जो एसेट्स है उनके ऊपर है ना, मतलब वो है ना जो डिबेंचर्स है वो है ना सिक्योर डिबेंचर्स है, तो ऑब्वियसली कंपनी को है ना लाइक अ मॉर्गेज कैसे रख के, हम है ना लोन लेते हैं मॉर्गेज, किसी अपना सामान देकर लोन लिया जाता है, तो वैसे कंपनी एक तरीके से लोन ले रही है, डिबेंचर मतलब लोन हो गया, एक तरीके से डेब्ट हो गया कंपनी के लिए। तो कंपनी है ना क्या उसके कौन किसके अगेंस्ट में लेगी, तो अपने एसेट्स के अगेंस्ट में वो लोन लेगी, और इट सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी, जो उसकी होल्डिंग कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनीज है, उनके जो उसके जो एसेट्स है उसके अगेंस्ट में कंपनी क्या करेगी, सिक्योर्ड डिबेंचर्स है वो इश्यू करेगी। सो द वैल्यू ऑफ चार्ज शुड बी एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब सफिशियंट होना चाहिए टू कवर द एंटायर वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, जो एंटायर वैल्यू है डिबेंचर्स की, इशूड ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन इट, इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन इट, जो इंटरेस्ट उस पर पे करना है, एंटायर वैल्यू जो डिबेंचर्स इश्यू करने वाले हैं उस डिबेंचर्स के जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट एंड जो इंटरेस्ट है उसको रीपे करने जितना मतलब उसका कैपेबिलिटी होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए जो एसेट्स के अगेंस्ट चार्ज होता है। सो इफ अ गवर्नमेंट कंपनी इश्यूज सिक्योर डिबेंचर्स, अगर गवर्नमेंट कंपनी ने सिक्योर डिबेंचर्स इश्यू करती है विच हैज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स गारंटी, जिसके पास है ना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी होती है, देन इट नीड नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन इट्स एसेट, तो फिर है ना वो जो गवर्नमेंट कंपनीज है तो फिर उसको है ना अपने एसेट्स को गिरवी रख के मतलब है ना डिबेंचर्स इश्यू नहीं करने पड़ते हैं। कब, जब है ना सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अगर गारंटी लेती है सिक्योर डिबेंचर्स की, तो उस केस में ना। थर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज, डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करने की बात हो रही है, भी क्यों करने पड़ते हैं डिबेंचर्स ट्रस्टीज, क्यों अपॉइंट होते हैं, तो बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस, जब कंपनी है ना प्रोस्पेक्टस मतलब ऑफर लेटर इशू करती है, प्रोस्पेक्टस मतलब ऑफर लेटर हो गया, तो वो इशू करने से पहले है ना द कंपनी हैज टू अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी किसके लिए, किसके इंटरेस्ट के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, तो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए ही डिबेंचर ट्रस्टीज है ना वो अपॉइंट किए जाते हैं। सो अ कंपनी
ऑल्सो हैज टू एग्जीक्यूट अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड. तो फिर है ना कंपनी को क्या करना होता है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड होता है वो भी उसे फुलफिल करना पड़ता है, मतलब उसमें जो भी डिटेल्स है वो फुलफिल करनी पड़ती है कंपनी को. इधर बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस, या तो कंपनी है ना प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले ही ये कवर अप करेगी, या फिर है ना और ऑफर लेटर जब कंपनी इशू करी उस टाइम पे, और विद इन 60 डेज, या फिर है ना 60 डेज, विद इन 60 डेज फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के अलॉटमेंट के 60 डेज के अंदर कंपनी क्या करेगी, ये जो डीड है, ट्रस्ट डीड है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड है, उसको एग्जीक्यूट करेगी कंपनी, उसको फॉलो करेगी. नाउ द डीड कंटेंस, डीड में क्या होता है, तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं अग्रीड अपॉन बाय द कंपनी, कंपनी जिसको अग्री करती है एंड ट्रस्टीज अग्री करते हैं, मतलब वो लोग एक मत बनाते हैं अपना, वो एक मत बनाते हैं, एक पॉइंट पर आते हैं. एंड क्लियरली स्टेट्स द रोल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज, उसमें है ना डिबेंचर ट्रस्टीज क्या रोल प्ले करने वाले, उनके फंक्शंस क्या है, क्या काम करने वाले वो, तो उसमें मेंशन रहता है, मतलब उनको कौन कौन सी अथॉरिटीज होती है. नाउ फोर्थ वन, क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. तो यहाँ पे है ना डिबेंचर सिक्योर्ड, जब भी डिबेंचर है तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितना क्रिएट होगा, तो उसके बारे में कि कंपनी हैज टू क्रिएट अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये तो क्रिएट करना ही पड़ता है, ये अकाउंट तो प्रिपेयर करना ही पड़ता है कंपनी को, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स. डिबेंचर्स को पे करने वाला जो प्रॉफिट है उस डिबेंचर्स, उसमें से है ना कंपनी क्या करती है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है वो क्रिएट करती है, अकाउंट क्रिएट करती है. एंड कंपनी हैज टू मेंटेन एटलीस्ट 25%, 25% कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है, कम से कम 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, मतलब उसको कितना है ना डिबेंचर्स का रिफंड करना है, रीपेमेंट करना, उसका 25% एटलीस्ट उसको मेंटेन करना पड़ता है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का. आउटस्टैंडिंग कितना अभी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है इन द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. देन कंपनी हैज टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट, कंपनी को या तो इन्वेस्ट करना पड़ता है या डिपॉजिट करना पड़ता है ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ईच ईयर, हर साल का 30th अप्रैल को उसे क्या करना पड़ता है, उसे इन्वेस्ट करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में अ सम नॉट लेस देन 15% ऑफ इट्स डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर. तो यहाँ पे क्या बोला है कि कंपनी हैज टू इन्वेस्ट, कंपनी को इन्वेस्ट करना होता है, डिपॉजिट करना होता है ऑन और बिफोर, या तो पहले या सेम डेट को 30th अप्रैल को, ईच हर साल के 30th अप्रैल को अ सम नॉट लेस देन 15% ऑफ द अमाउंट जो है ना ऑफ इट्स डिबेंचर्स, उसके जो डिबेंचर्स का 15% अमाउंट है वो उसे क्या करना होता है, डिपॉजिट करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर. ना मतलब जो उसके डिबेंचर्स मैच्योर होने वाले हैं, जो डिबेंचर्स रीपेमेंट करना है मैच्योर होने वाले हैं 31st मार्च नेक्स्ट ईयर को जो मैच्योर होने वाले हैं, तो उसका कम से कम मतलब 15% उसको क्या करना पड़ता है कंपनी को, वो डिपॉजिट करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है 30th अप्रैल को, हर साल के 30th अप्रैल को. नाउ मनी फ्रॉम दिस अकाउंट इज यूज फॉर रिडम्पशन डिबेंचर्स. अभी इस अकाउंट से जो क्रिएट रिडम्पशन रिजर्व है उसमें से है ना रिडम्पशन डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए ना पैसा यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है. तो मतलब ये है ना वेल प्लानिंग है, सिस्टमेटिक प्लानिंग, की बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे पास फंड नहीं है पे करने के लिए, तो पहले से ही है ना प्रोविजन रखे जाते हैं, अकाउंट क्रिएट किया जाता है और उसमें अकाउंट में पूरा ये मेंशन होता है. नाउ इसके बाद है हम ये आरबीआई वाला भी हम कवर अप कर देते, छोटा सा ही है, कंटिन्यूटी में हो जाएगा. तो रिक्वायरमेंट्स एज पर सेबी फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशू करने के लिए सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की क्या रिक्वायरमेंट है. तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, तो जैसे है ना हम लोग ने शेयर्स में तो पढ़ा था 90% उनका होना चाहिए सब्सक्राइब, 90% उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. यहाँ पे क्या है, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेप्ट सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट 2008 के तहत रेगुलेशन 12 स्टेट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड बाय अ कंपनी. कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करना जरूरी है. सो एज पर द सेबी द मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स, जो पब्लिक इशू करती है कंपनी है ना डिबेंचर्स इशू करती है पब्लिक को, तो 75% ऑफ द बेस साइज
75% ऑफ बेस साइज दैट इज रुपीज 100 करोड़ अगर है तो उसका 75% उसको क्या होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता है तो द एंटायर मनी शुड बी रिफंडेड. तो पूरा का पूरा एंटायर मनी विद इन 12 डेज, 12 दिन के अंदर पूरा का पूरा रिफंड करना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू. इशू की क्लोजिंग डेट होती है उसके 12 दिन के अंदर अंदर है ना रिफंड करना होता है. नाउ सेकेंड, रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. जब ओवर सब्सक्रिप्शन की बात आती है तो मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गया, कंपनी ने जो ऑफर किए डिबेंचर्स उससे ज्यादा की डिमांड आ गई, मतलब डिमांड इज मोर देन सप्लाई हो गया, तो कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन मनी. अब कंपनी है ना रिटेन कर सकती है ओवर सब्सक्रिप्शन का मनी टू मैक्सिमम 100% ऑफ द बेस साइज, जो उसका बेस इश्यू साइज है उसका मैक्सिमम 100% वो कंपनी क्या कर सकती है, जो उसको मेंटेन कर सकती है, रिटेन कर सकती है, और एनी लोअर यूनिट एज स्पेसिफाइड इन द ऑफर लेटर. ऑफर लेटर में जैसे उसने मेंशन किया उसके अकॉर्डिंगली, और लेटर ऑफ ऑफर और प्रोस्पेक्टस. देन अंडरराइटिंग के केस में अंडरराइटिंग कब करवाना होता है, तो जब है ना डिमांड इज लेस देन सप्लाई, तो कंपनी में एंटर इन टू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विथ अंडरराइटर्स. अंडरराइटर्स के साथ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वो साइन कर सकते हैं फॉर इट्स पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. जब वो अपने पब्लिक इश्यूज लाती है, डिबेंचर्स लाती है, पब्लिक को ऑफर करती है, तो अपॉइंट करना पड़ता है उसको, अपॉइंटमेंट उसको अपॉइंट करना पड़ता है अंडरराइटर्स को. तो अपॉइंटमेंट ऑफ अंडरराइटर्स मस्ट बी मेंशन. ये जनरली है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह होते हैं, तो मतलब अंडरराइटर्स कौन होते हैं एक्चुअली, अंडरराइटर्स गारंटी लेते हैं कि भाई अगर आपके ने जो ऑफर किए हैं डिबेंचर्स पब्लिक को, अगर वो है ना 90 मतलब वो सब्सक्राइब नहीं होता 75%, तो वी टेक द गारंटी कि ओवर एंड अबव हम उसको वो डिबेंचर्स को हम एक्वायर कर लेंगे करके, एंड वी विल मेक यू द पेमेंट. तो हम डिबेंचर होल्डर बन जाएंगे. तो अपॉइंटमेंट ऑफ अंडरराइटर्स मस्ट बी मेंशन इन द ऑफर लेटर, और लेटर ऑफ ऑफर और प्रोस्पेक्टस में मेंशन होना चाहिए. तो इससे क्या होता है, कंपनी को फायदा है कि है ना कंपनी का जो ये कंडीशन नहीं आती कि उसको मतलब उसको है ना अपना अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में नहीं, तो क्या होता है फिर पैसा रिटर्न देना पड़ता है ना. मिनिमम सब्सक्रिप्शन को फुलफिल करना जरूरी है. अगर अंडर राइटर्स उसने अपॉइंट किए तो कंपनी की रिस्क खत्म हो जाती है. अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो अंडर राइटर्स है उसको सपोर्ट करने के लिए. नाउ फोर्थ, क्रेडिट रेटिंग किसे बोलते हैं, तो सेबी इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन एक्ट 2018 के तहत है ना स्टेट्स वो बताती है, एक्सप्लेन करती है दैट द कंपनी शुड गेट क्रेडिट रेटिंग फॉर इश्यूइंग डिबेंचर्स. मतलब उनके है ना क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है. देखो लोन लेने के लिए भी है ना क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ती है, तो अगर किसी की CR रिपोर्ट सही नहीं होती है तो फिर उनको है ना लोन नहीं मिलता है. तो यहाँ पे एज पर सेबी, कंपनीज मेकिंग पब्लिक इश्यू और राइट ऑफ इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मस्ट ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से उनको है ना उनको मतलब है ना हरी झंडी मिलनी चाहिए. सो द रेटिंग शुड बी मेंशन इन द ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर और प्रोस्पेक्टस में ये मेंशन होना चाहिए. तो देखिए यहाँ पे देखिए क्रेडिट रेटिंग का फुल फॉर्म भी दिया है आपको कि क्रेडिट रेटिंग मतलब रेटिंग गिवन टू द डेब्ट सिक्योरिटीज बाय डेब्ट रेटिंग एजेंसीज विच इंडिकेट्स द क्रेडिट रिस्क लेवल कि भाई कितना क्रेडिट रिस्क लेवल है. एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज मतलब यहाँ पे एजेंसीज लाइक क्रिसिल केयर एक्सेट्रा विच रेट्स द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी कि भाई कंपनी को इस कंपनी में डिबेंचर्स इस कंपनी के डिबेंचर्स लेना सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा. तो ये है ना ये उसको मतलब हरी झंडी देती है इशूइंग डिबेंचर्स डिपॉजिट्स अदर डेब्ट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा. यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे भी आपको दिया हुआ है कि क्रिसिल रेटिंग स्केल फॉर लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स इंडिकेटिंग डिबेंचर्स में रेटिंग है क्रिसिल ये AAA मीनिंग हाईएस्ट सेफ्टी है. मतलब जब वो हाईएस्ट सेफ्टी है और अगर ये रेटिंग देती है क्रिसिल वो बी रेटिंग देती है तो मतलब हाई रिस्क है. इसका मीनिंग हुआ कि हाई रिस्क देन क्रिसिल AA अगर बोलती है तो वो हाई सेफ्टी हुआ. अगर क्रिसिल उसको ए ग्रेड देता है तो एडिक्वेट सेफ्टी हुआ सफिशियंट मतलब, और क्रिसिल BBB देता है तो मॉडरेट सेफ्टी हुई. व्हेन इट कम्स टू द क्रिसिल बी रेटिंग में मतलब बता रहे हैं हम क्रिसिल बी अगर उसने बी ग्रेड दिया है तो मतलब हाई रिस्क हो गया. एंड क्रिसिल सी अगर रेटिंग दे रहा क्रिसिल सी रेटिंग दे दिया तो फिर वेरी हाई रिस्क हो गया. एंड क्रिसिल डी दे दिया तो मतलब वो डिफॉल्ट हो गया. तो इस तरीके से उनके रेटिंग ये सिस्टम्स होते हैं. तो
इस तरीके से ये जो टॉपिक है दोनों भी मैंने मर्ज करके ये आपके कवर अप करा दिए हैं कि रिक्वायरमेंट्स एज पर द सेबी फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रोविजंस एज पर द कंपनीज एक्ट 2014। इस वीडियो में तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।